कोरोना महामारी से कई परिवार भी लड़ाई लड़ चुके हैं। दुर्ग जिले के एक परिवार के सभी सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए थे, लेकिन बाद में मजबूती के साथ लड़ाई लड़कर सभी ने इस पर जीत हासिल की है। दूरदर्शन ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से बातचीत कर जाना कि कैसे वो इस बीमारी से बाहर निकले। कोविड संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि वे खुद परिवार के सदस्यों के साथ कोविड से प्रभावित रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ घर पर आइसोलेट रहकर कोविड को हरा दिया। शासन का जो गाइडलाइंस है उसका पालन, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लगातार फ़ोन आता था, ऑक्सीजन लेवल कितना आपका है, बुखार है या नहीं है, 10 मिनट वॉक करिए, वॉक करने के बाद ऑक्सीजन लेवल बताइए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया और एक हफ्ते क्या 3-4 दिन के अंदर ही हम लोग एकदम स्वस्थ हो गए। एक हफ्ते का आइसोलेशन होने के बाद भी हम लोग बाहर नहीं निकले कम घर से। 10 दिन के बाद मैं बोलूँगा, 10 दिन के बाद ही आपके लिए, और मास्क हमेशा लगना चाहिए। वहीं कोरोना से जूझने वाली जगजीत कौर ने बताया कि मुझे 6 जनवरी शाम से कोविड के लक्षण दिखाई दिए, इसके बाद दूसरे दिन कोविड का टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को घर में ही आइसोलेट कर चिकित्सीय परामर्श का पालन किया और आज पूरी तरह से फिट हैं। आइसोलेशन सेंटर बने हैं, उनको जैसे ही पता चला कि हम पॉजिटिव आए हैं तो समय समय पर सुबह और दोपहर को उनका फ़ोन आता था, डॉक्टर्स का भी फ़ोन आता था और उन्होंने दवाइयों की किट भी हमें पहुंचाई और आइसोलेट रहने के लिए कहा और समय समय पर ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन चेक करने के लिए कहा और हमेशा हमें उत्साह दिया, प्रोत्साहन दिया कि आपको जरा सा भी कुछ भी यदि आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप तत्काल नंबर भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया कि हम उनसे संपर्क करें। कोविड से पीड़ित रहे इंजीनियर अनिमेश सिंह ने बताया कि वे बेंगलोर में निजी कंपनी में काम करते हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर डॉक्टरों की सलाह ली और कोविड नियमों का पालन करते हुए बीमारी से ठीक हो गए। सुबह ब्रश करने के बाद गरारा नमक पानी से और स्टीम लेना शुरू किया, स्टीम में पानी में अजवाइन डाल ले ताकि और अच्छा रहे और मास्क हमेशा पहने रहे घर में भी। इस तरह इन लोगों ने दिखा दिया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना गाइडलाइंस के पालन, हिम्मत और सावधानी से कोई भी इस बीमारी से बाहर आ सकता है।